नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है आपका समय बहुत ही करीब आ रहा है। हम बात करें यूपी पेट की, बच्चों आपका 15-16 अक्टूबर को एग्जाम लगा हुआ है। तो बच्चों अब आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस में ही निर्भर हो जाना है। तो बच्चों आपको हम क्या करेंगे, समय जाया ना करते हुए चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने मैथ के प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर ये कौन सी रहने वाली है, 7वीं रहने वाली। मैंने रीजनिंग और मैथ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई बच्चों। 5-5 नंबर, 10 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे। और बहुत कम समय में ये अपना आप क्या करते हैं, अपना टेस्ट खत्म हो जाता है, आधे घंटे के पहले पहले कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको इस स्टेज को फॉलो जरूर करना है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता दे रखा है 35% और 40% दे रखा है। एक लड़के ने क्या किया, 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताइए लड़कियों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि लड़कों का यहाँ पर परसेंटेज कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे लड़कियों तथा लड़कों, तो लड़कों का कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। लड़कों को 483 नंबर मिलते हैं फिर भी 117 से पास हो जाते हैं। बच्चों को पास होने के लिए 40% चाहिए और नंबर में अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पास के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, 40% को हम क्या करेंगे, 40% को हम 483 प्लस का 117 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि क्योंकि बच्चों को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए लड़कों को, और नंबर में कितने चाहिए, 483 लाता है फिर भी फेल हो जाता है, कितने नंबर उसे 117। अगर 117 मिल जाते बच्चा पास हो जाता तो आप बोलेंगे 40% बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 की 0 कैरी हमारे पास 1 5 1 6 600 हो जाएगा। 0 से आप 0 काट देंगे, ठीक है। इसके बाद आप 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा, 1 बराबर 15% के। लेकिन आपसे पूछा गया कि बताइए न्यूनतम उत्तीर्ण किसके लिए, लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए जब 1 बराबर 15% तो आप कहेंगे 100 बराबर किसके आ जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 1500। यानी कि पूर्णांक अगर आपसे पूछा जाता तो आप कहते हैं पूर्णांक तो 1500 का है, लेकिन 1500 में लड़कियों को लाने कितने नंबर है, 35%। तो आप कहेंगे 1500 का 35% निकाल देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये 2 0 से 2 0 काटेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 75 की 5 कैरी 7, 15 3 45 45 7, 15 75 कैरी हमारे पास 5 कैरी 7 हो जाएगा, 15 3 45 45 7 52 कितना आ जाएगा, 52। यानी कि 525 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 525 क्या होगा, 525 आपका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि लड़कियों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप कहेंगे 525 नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा था प्रश्न नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला था, मैंने आपको बहुत इजीली समझाया। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और आसान क्वेश्चन होता है बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए बात करेंगे बच्चों दूसरे सवाल की। आज का अपना दूसरा सवाल दे रखा है, लिखा है यदि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक है, 30% तथा 40% अधिक है, तो आपको बताना है बच्चों, है तो दूसरे से पहली का परसेंट बताइए। तो दूसरे से पहली का परसेंट बताइए, पहली का प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। चलिए ठीक है, दो संख्या तीसरी संख्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पर लिखना है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसमें कहा गया कि दो संख्या तीसरी संख्या से अधिक है, जिसके बारे में नहीं पता उसे हम 100 मानते हैं, मान लेते तीसरी संख्या 100 है। क्रमशः का मतलब क्रम से, पहली संख्या 30% अधिक तो आप कहेंगे 130 हो जाएगा, फिर 140 अधिक तो आप कहेंगे 140, ये इन सबका रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए दूसरे का पहले से परसेंटेज बताइए, इन दोनों का आपस में परसेंटेज बताने, तो आप कहेंगे 130/140 गुणा आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। 0 से आप 0 काट देंगे, 2 से आप काटेंगे 7 बार, 2 से आप काटेंगे 50 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 65 हो जाएगा, 650/7 का भाग देंगे
तो 7 9 63 हो जाएगा, बचेगा 2 हमारे पास 20 और 7 2 14 6/7। तो आपका आंसर क्या आएगा 92 सही 6/7 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है 92 सही 6/7 आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में स्पीड तो बनती है ठीक है, बाकी मैंने बेसिक में जब आपको पढ़ाया तो बहुत आराम से मैंने पढ़ाया था, लेकिन प्रैक्टिस सेट में बच्चे थोड़ी स्पीड अपनी रहेगी ठीक है। चलिए बात हम करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। बच्चा अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि एक संख्या के 2/3 का 3/5 लिखा है, एक संख्या का 2/3 का 3/5, 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 तथा उसी संख्या के 1/4 का 1/4 का 2/5 2/5 ठीक है 2/5 इन दोनों का अंतर 288 था, इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस, बच्चों डिफरेंस कितना है 288 288 है। तो आपको बताना है बच्चा, आपको ये बताना है वह संख्या बताइए, वह संख्या क्या होगी ये बताना है ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात करें ठीक है बच्चा। तो देखिए लिखा है एक संख्या का 2/3, मान लेते वो संख्या आपको नहीं पता है, आप कहेंगे वो संख्या एक्स हो जाएगी, इसका 2/3 करेंगे आप और इसका का मतलब बच्चों क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, वो संख्या एक्स इसका 2/3 का 3/5, फिर उसी यानी कि संख्या एक्स का ही क्या करना है बच्चा 1/4 करना है 1/4 और इसी का 2/5 बच्चा करना है 2/5, इसका अंतर कितना दे रखा है 288 दे रखा है, कितना दे रखा है 288 दे रखा है ठीक है बच्चा। देखिए अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 6 तो आप बोलेंगे 6x/3 कितना आएगा 3 5 15 माइनस का यहाँ पर क्या आएगा 2x आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 5 2 20 बराबर 288 आएगा। इसका बच्चे एलसीएम आप लेंगे कितना आएगा 60 आ जाएगा, 15 2 60 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 24x हो जाएगा, माइनस का 20 का करेंगे 3 3 2 कितना आएगा 6x आ जाएगा बराबर कितना है 288 है, 24 में 6 घटाएंगे तो आप कहेंगे 18 6 24 18x/3 कितना आएगा 60 आ जाएगा बराबर कितना है 288। बच्चे इसे हम काट देंगे, इसे काटेंगे 18 से काटेंगे, 18 कम 18 10 108 बचेगा, यानी कि 18 6 108 16 बार बच्चा कट जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 16 6 96 बच्चा आपका आंसर कितना आएगा 960 आ जाएगा, कितना आएगा आपका आंसर 960 आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है इसमें ठीक है, एक संख्या में 30 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष थी, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु बच्चा कितनी थी, औसत आयु ठीक है अच्छा हाँ कितनी थी 14 वर्ष थी ठीक है 14 वर्ष थी। तो बताना कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत बताना है आपको बच्चा, क्या बताना है औसत बताना है ठीक है। चलिए लिखा है एक कक्षा में 30 लड़कों का कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो आप योग निकालेंगे तो आप कहेंगे 16 × 30 कर देंगे प्लस फिर यहाँ पर लड़कियां कितनी दे रखी है 20 लड़कियां दे रखी है, इनका औसत कितना है 14 है, तो आप कहेंगे 14 × 20 कर देंगे ठीक है। ओवरऑल आप क्या करेंगे नीचे 50 करेंगे, 50 क्यों बच्चा करेंगे क्योंकि आपसे कहा गया सभी विद्यार्थी का औसत बताइए, सभी विद्यार्थी ये विद्यार्थी प्लस ये विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी के बच्चों कितने 30 20 50 है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 48 480 कर देंगे प्लस का 14 2 28 करेंगे 280 क्या करेंगे 50 करेंगे, फिर क्या आएगा तो आप कहेंगे 0 0 0 बना रहेगा 8 8 16 कर देंगे
तीन चार सात करेंगे बच्चा बटे क्या आएगा, जीरो से जीरो आप काटेंगे, पांच से आप इसे काट देंगे तो कितना आएगा, पांच एकम पांच कर देंगे बच्चा, दो बचेगा पचम पच्चीस, एक बचेगा पांते पांच दूनी दस, कितना आएगा पंद्रह दशमलव दो आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है कि पांच संख्याओं का औसत 18 है, पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत 18 है, पांच संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 रह जाता है। ठीक है तो आपको बताना है छोड़ी गई संख्या, तो छोड़ी गई संख्या आपको बतानी है, छोड़ी गई संख्या क्या थी ये आपको बताना है। ठीक है बच्चा तो देखिए क्या है, पांच संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो पांच संख्याओं का वियोग निकालेंगे तो आप कहेंगे 18 मल्टीप्लाई पांच कर देंगे, ठीक है कितना आया, तो आप कहेंगे 18 पंचे 90 आ जाएगा। फिर बोला गया कि एक संख्या छोड़ देंगे बच्चा, संख्या पांच एक छोड़ देंगे तो आप कहेंगे संख्या कितनी बचेंगी 4 और औसत कितना हो जाता है 16 रह जाता है, तो 16 चौको कितना आएगा 64 आ जाएगा। इसमें बताई गई, इसमें पूछा गया छोड़ी गई संख्या बच्चा पांच में से पांच का योग कितना है 4 कितना आया, अब बताइए जब इसमें आप अंतर निकालेंगे तभी तो निकाल पाएंगे, आप कहेंगे 10 में 4 घटा देंगे 6 बचेगा, यहाँ पर 8 में 6 घटा देंगे 2 बचेगा, बताइए छोड़ी गई संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे छोड़ी गई संख्या हमारी 26 यानी कि 26 हो जाएगी। ठीक है तो इसमें करना क्या था, पांच संख्याओं का औसत दे रखा था, मैंने पांच संख्याओं का योग निकाल लिया बच्चा कितना आया 90 आ गया, और इसके बाद में एक संख्या छोड़ दी गई तो संख्या कितनी बचेंगी, तो आप कहेंगे संख्या 4 बचेंगी, और 4 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है तो 4 संख्याओं का योग कितना आएगा 64 आ जाएगा। आपसे पूछे छोड़ी गई संख्या कौन सी हो, तो बच्चों हमेशा क्या करना है अंतर आपको निकाल देना है, क्या करना है हमेशा आपको अंतर निकाल देना है, तो आपका 26 क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है 26 क्या होगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 2.136, इसमें आपको क्या करना है बिन में चेंज करना है बच्चे। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें आपको मैंने सिखा रखा है सबसे पहले जो नंबर दे रखा होता है इस नंबर को हम क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं, और इसमें घटाते क्या बच्चा जिसमें बार नहीं लगा होता है, बार किसमें नहीं लगा तो आप कहेंगे किस में बार नहीं लगा है, और निश्चय क्या करते हैं जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतने 9 लिखते हैं, और जिस संख्या पॉइंट के बाद जिस संख्या ऊपर बार नहीं होता उतने 0 लगाते हैं। ठीक है अब इसमें जब आप घटा देंगे 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ पर 21 आएगा, 21 15 बटे कितना आएगा 990 आएगा। इसे आप 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा बच्चा 5 एकम 5 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 5 9 45, 45 के बाद में बच्चा कितना बचेगा 4 बचेगा 45 कर देंगे, 5 से आप काटेंगे तो 5 चौको 20 करेंगे 11 हो जाएगा, 5 दूना 10 5 3 15, ठीक है इतना आ जाएगा। ये और कटेगा किसी से, आप कहेंगे किसी से कटेगा क्या, तो ये आ जाएगा 9 9 18, 4 3 7, 4 2 6 3 9, 9 से कट जाएगा बच्चा, 9 से काटेंगे 9 2 18 और 9 2 18, इससे 9 से काटेंगे तो कटेगा 9 4 36 कटेगा और 9 7 63 कटेगा, है ना 9 4 36 6 9 7 63 कट जाएगा बच्चा, क्या आएगा 22 बटे यानी कि 47 बटे कितना आ जाएगा 47 बटे 22 आ जाएगा, कितना आएगा 47 बटे 22 आएगा, इसे आप और भी काट सकते हैं। ठीक है तो ये आपको क्या होगा राइट आंसर। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस बार पिछली बार हम बात करें 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 0.41 यानी कि 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 मल्टीप्लाई 0.41, इसके बाद दे रखा है बच्चा यहाँ पर माइनस प्लस का दे रखा है, प्लस का दे रखा है 0.69 मल्टीप्लाई 0.69 मल्टीप्लाई 0.69, और नीचे बच्चा क्या लिखा है, नीचे लिखा है यहाँ पर 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 माइनस का यहाँ पर बच्चा क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 0.41 मल्टीप्लाई 0.69, और यहाँ पर प्लस का दे रखा है क्या, यहाँ पर दे रखा है
0.69 × 0.69। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने तो एक ट्रिक बना रखी है, बहुत अच्छी बेहतरीन ट्रिक बना रखी है। इसमें बच्चा याद रखना है क्या होता है, इसमें हमेशा सूत्र बनता है, आप कहीं यहाँ से क्या बनेगा ए क्यूब बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा बी क्यूब बनेगा, ठीक है। ये क्या लिखा है तो आप कहेंगे ए स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है माइनस का ए भी लिखा है, और ये क्या लिखा है बच्चा बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। ऊपर सूत्र बनता है हमेशा, यहाँ पर प्लस का भी बन सकता है माइनस का भी बन सकता है, फिलहाल यहाँ पर किसका बना है प्लस का, तो आप कहेंगे यहाँ पर बना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि होता क्या बच्चा एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए भी होता है, ठीक है। होल्ड अपॉन आप देखेंगे तो नीचे क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर लिखा है बच्चा, ये आपका पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास ए प्लस बी बचेगा, यानी कि ए का मानिए बी का मानिए, इन दोनों को आपको करना है क्या जोड़ देना है, तो आप कहेंगे 6 9 में 4 1 आप जोड़ेंगे तो कितना है 9 1 10 की 0 कैरी 1 हो जाएगा, 6 1 10 11 हो जाएगा, बताइए दो अंकों बाद पॉइंट लगाने तो आप कहेंगे पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1.1, ये आपका क्या होगा राइट आंसर, ये आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी, आपने ट्रिक सीख रखी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन किए नहीं जाते, डायरेक्ट आप क्या करते हैं मानों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तथा इसके बाद क्या दे रखा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, क्या है चौड़ा है। आपसे पूछा गया बच्चा इसमें, इस छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगानी होंगी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपको पता है ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम, सबसे पहले बच्चों दो बातें आपको याद रखनी है, जब कम से कम की बात हो, छोटी से छोटी की बात हो, हमेशा एलसीएम निकालते हैं, अधिकतम लिखा हो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हो, बच्चों हमेशा मासा निकालते हैं। इसमें आपने देखा कि इसमें लिखा है कम से कम, बताइए कम से कम, यहीं से आपको पता चला यहाँ से एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले इन दोनों को सेम करेंगे, सेम करने का मतलब दोनों को सेंटीमीटर में बदल देंगे, बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 में 1500 + 17 तो आप कहेंगे 1517 सेंटीमीटर यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से 1517 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 9 मीटर 200 सेंटीमीटर तो आप कहेंगे 902 सेंटीमीटर बन जाएगा बच्चा, कितना बनेगा 902 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। एलसीएम निकालना है बच्चा, आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, आपका एलसीएम कितना आएगा 814 आ जाएगा, कितना आएगा 814 आएगा। निकालने का हम तरीका आपको बता रहे हैं बच्चा, ऐसे निकालना है आपको 1517 करेंगे आप, 1517 करेंगे और साथ ही साथ 902 करेंगे, 902 करेंगे आप, ऐसे निकालेंगे तो आप कैल्शियम निकल आएगा, ठीक है। ऐसे आप कैल्शियम निकाल सकते हैं, ऐसे आप कैल्शियम नहीं निकालें तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कितना 1517 का आप अलग निकालेंगे, 902 का आप अलग निकालेंगे, ठीक है। अलग निकालने के बाद आपको पता है जो मैच होता है उसको लिखते हैं, जो मैच नहीं होता है उसको भी लिखते हैं, फिलहाल आपको याद रखना है कितना है 814 आएगा, ठीक है। बाकी ये काम आपके लिए निकालने के लिए दे रहे हैं बच्चा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। बात हम करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, हम बात करें अगला प्रश्न आपका दे रखा है, अगला प्रश्न बच्चे ये दे रखा है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में
एक में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर है, 45 लीटर, 45 लीटर दूध है उस बड़े से बड़े बर्तन की, दूध है उस बड़े से बड़े बर्तन की, उस बड़े से बड़े बर्तन की, उस बड़े से बड़े बर्तन की, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों की माप क्या होगी जो क्या होगी जो जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके, दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके, दूध को पूरा पूरा माप सके, याद रखना ठीक है, पूरा पूरा माप सके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इसमें करना क्या है, लिखा है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर ठीक है, दूसरी टंकी में 45 लीटर है, दूध बड़े से बड़े, अभी यहाँ पर पॉइंट आपको समझना है, जहाँ पर छोटे से छोटे की बात, तो बच्चों हमेशा क्या निकालते हैं, हमेशा निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, बड़े से बड़े की बात होती है हमेशा क्या निकालते हैं, एससीएम निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 45-75 का एलसीएम एससीएफ निकाल लेना है, क्या निकालना है एससीएफ निकालना है, बताइए इसका एससीएफ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 आ जाएगा, कितना आएगा 15, क्योंकि 15 का भाग इसमें चला जाएगा और 15 का भाग इसमें चला जाएगा, और एससीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, 15 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं जो दोनों को काट दे, तो आपका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन देखने में जरूर बड़ा लग रहा होगा लेकिन कितना आसान है बच्चों, आप समझ सकते हैं, एससीएफ निकाल रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज सीखनी है, यदि आपने लैंग्वेज सीख ली ना बच्चों तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस सीरीज को यदि आप कंटिन्यू सारी सीरीज देखेंगे फॉलो करेंगे तो नो डाउट बच्चों इसमें आप 5 के 5 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं बच्चों। जब आपका 15-16 को एग्जाम होगा ना, उसके बाद आप खुद देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सारे क्वेश्चन इस सीरीज से मिले हैं आपको। अगला प्रश्न है 1994 मल्टीप्लाई 1994, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आप कहेंगे मल्टीप्लाई करना तो बड़ा इसमें मुश्किल हो, मुश्किल तो हालांकि टाइम लगेगा ना बच्चों, कर तो सकते हैं आप लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आपको सोच क्या रखनी है, आपको बच्चों ऐसे सोच रखनी है, ये ऐसे कह सकते हैं ना ए ए, यानी कि अगर हम ए माने, इसे ए माने तो बच्चों ऐसे कह सकते हैं ना ए स्क्वायर लिखा हुआ, ए स्क्वायर लिखा है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसे बच्चों, ऐसे आप लिख सकते हैं 2000 माइनस का 6 कर दे, बताइए क्या ऐसे लिख सकते हैं 2000 माइनस का 6, आप कहेंगे कि 2000 में से जब 6 घटा दें 1994 तो आएगा, लेकिन ये आपका सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बच्चों क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 2000 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, आप 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2ab, 2 into a का मान into b का मान, ठीक है, चलिए इसके स्क्वायर आप करेंगे तो आप कहेंगे 4 आएगा, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर कितने 6 जीरो हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, प्लस का 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 6 होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 संख 24, तो आप कहेंगे 24000 ये हो जाएगा, 24000 ये हो जाएगा। अब इसमें आप बेसिकली क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, इसमें आप घटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम पहले घटा देते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख, आप ऐसे घटा दीजिए, डायरेक्ट हम घटा देंगे, ठीक है, तो देखो इसे तो जोड़ना है और इसमें घटा देना है, तो आप कहीं इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 36 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 में से 0 घटा दें कितना बचेगा, 0 कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 में से 0 घटाएंगे तो आप कहेंगे 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और इसके बाद में ये 2 जीरो खत्म हो गए, अब यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है, तो आप कहेंगे 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद ये 0 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो कह लेंगे 10 में से 4 घटा देंगे बच्चा 6 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 2 घटा देंगे 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 बचेगा 3 बचेगा, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा 39, 77, 0, 36 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न आपका दे रखा है, लिखा है 476 मल्टीप्लाई 198 मल्टीप्लाई 359 मल्टीप्लाई 352, ठीक है, अगला प्रश्न एक साथ दो क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है 7 के पावर 65 मल्टीप्लाई, फिर लिखा है 6 के पावर 41 मल्टीप्लाई 3 के पावर 57 57, इसमें दोनों में क्या करना है, इकाई अंक बताना है,
यहाँ पर भी इकाई अंक बताना है और यहाँ पर भी क्या करना है, इकाई अंक बताना है, ठीक है। चलिए, इकाई अंक का कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है, चलिए इसे करने का प्रयास करते हैं। बच्चे जब मल्टीप्लाई में होती है ना, तो आपको करना क्या होता है, लास्ट संख्या से मतलब होता है, बाकी संख्या जो होती है उससे कोई मतलब नहीं होता। लास्ट संख्या से मतलब होता है छः का मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो कितना है 48, 48 का मतलब कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन आप में 8 को क्या करना है, आपको 8 याद रखना है, क्योंकि आपको इकाई अंक से मतलब है। 8 9 72 72 मतलब 7 2, तो आपको 2 याद रखना है, 2 2 4, आपका आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात इसकी कर लेते हैं, बच्चा इसमें जब होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं। घात में किसका भाग देते हैं, आप कहेंगे 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे बच्चे, जो बचेगा शेष बचेगा उसको लेंगे, 4 1 4 बचेगा 2 25 हो जाएगा, 4 6 24, यानी कि आप काटेंगे तो आप कहेंगे 7 की पावर 1 ही तो बचेगा, क्या बचेगा 7 की पावर 1, यानी कि यहाँ पर 7 की पावर क्या बचा, आप कहेंगे 1 बचेगा, 4 3 40 बताइए 6 की पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे 4 का भाग देंगे बच्चा, 4 1 4 4 6 16 आप कहेंगे 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, बस सब सीधे सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, 6 की पावर 1 का मतलब 6 होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 7 6 42 2 बचेगा, दुनिया 18 18 का मतलब कितना आएगा बच्चा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 7 6 42 2 दुनिया 18 8 11। एक बार बच्चे एक बार सवाल को और देख लेते हैं, सवाल को ठीक है, इस सवाल को एक बार और देख लेते हैं। 7 की घात 65 लिखा है, 7 की घात 65 लिखा है, मल्टीप्लाई फिर लिखा है 6 की घात 41 लिखा है, मल्टीप्लाई फिर क्या लिखा है 3 की घात 57 लिखा है, ठीक है। देखो 7 का भाग इसमें 4 का भाग देंगे बच्चा, तो 4 1 4 2 बचेगा, 25 4 6 24, 7 की पावर 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 4 2 40 1 बचेगा, 6 की पावर 1 कर देंगे, बिल्कुल सही है। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 1 4 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 4 6 16 1 ही तो बच्चा बचेगा, यहाँ पर 4 6 16 1 ही तो बचेगा, यहाँ पर आप 3 की पावर 1 करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 6 42 की 2 बचेगा, 2 3 6 आपका आंसर कितना आएगा बच्चा 6 आएगा, ठीक है। कितना आपका आंसर आएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा ये अपनी थी प्रैक्टिस नंबर, अगली 7 नंबर प्रैक्टिस थी, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलिए अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से अपना ख्याल रखें, ओके बाय बाय।